अस्सलामुअलैकुम, मैं बिलाल अहमद खान आपका होस्ट एक दो फिर आज़र खान जी के मेहमान के एक और नए और फ्रेश एपिसोड में। तो हमने अपने शो के लिए थोड़े से फॉर्मेट में हमने चेंज किया, अब हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स जिनके ऊपर होगी गुफ्तगू हमारे मेहमानों से और हम करेंगे उनसे बातें और कुछ करेंगे सवाल जवाब। तो हम चलते हैं आज अपने पहले इस फॉर्मेट के शो की जानिब, तो देखते हैं आज हमारे पास क्या टॉपिक्स आए हैं। नाज़रीन जैसा कि आपने देखे हमारे टॉपिक्स, तो आज के दो टॉपिक जो हैं हमारे पास आए हैं उनमें से एक है बकरा ईद और दूसरी तरफ है बकरा ईद के मुनासिबत से उदास बच्चा। तो जो उदास बच्चा है वो आज हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर लूँ सर थोड़ी सी। तो ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम है नन्ना टीलू। तो नन्ना टीलू आज हमारे पास आया हुआ है और काफी उदास है और इसको हमने अपने शो में बुलाया, तो चलते हैं इसकी तरफ। तो नन्ने क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बिलाल भाई कल मिली कहाँ कटेगी? तो वो तो सबकी कटेगी, कल अब्बू कटवा ले। अब्बू कटवा रहे हैं? अब्बू कसा ही आपके? नहीं, बाप अंकल आएंगे। बाप अंकल आएंगे तो रो क्यों रहे हो? तो गाय तो सबकी कटेगी ना, इतने प्याले है। अच्छा क्या नाम है तुम्हारी गाय का? मेरी गाय का भी नाम नहीं लगता। अच्छा तो गाँव बुलाता हूँ। अच्छा तो घुमाते फिराते हो? जी घुमाता हूँ। तो कौन सी क्लास में हो? फोर में। तो स्कूल अभी बंद है तो मजे, छुट्टियाँ हैं? छुट्टियाँ, गाय इतनी अच्छी है, अब कटवा ले। अच्छा रोना बंद करो, रोना बंद करो, पहले बात करते ना, फिर थोड़ी बात करने के बाद फिर देखेंगे ना क्या हुआ भाई। तो ये बताओ कि गाय तुम्हारी, गाय को खाना वाना खिला रहे हो? कितने टाइम से गाय के साथ हो और कब तुम्हारी गाय आई है? दो हफ्ते पहले बुलाए थे। अच्छा तो और खाना वाना तुम ही खिलाते हो? मैं खिलाता हूँ। और घुमाते फिराते हो? घुमाता भी हूँ। गाय के पास बैठता कौन है? मैं बैठता हूँ, रात को भाई बैठते हैं। अच्छा भाई बैठते हैं। तो जानवर तो सबके कटते ना, इसमें रोने की क्या बात है? मेरी प्याली बहुत है ना। तो पिछले साल नहीं थी वो, इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा तो इसमें ऐसे क्या, इसकी जगह छह टांग है? नहीं ये व्हाइट कलर की है। अच्छा तो व्हाइट कलर की है तो प्यारी है। वैसे व्हाइट कलर की हमारी गली में भी तीन चार गाय हैं तो वो भी प्यारी है, तो हम भी रोए क्या, नहीं कटे नहीं कटे। वो आपकी मर्जी, मेरे तो प्यारी है ना। अच्छा घर में कौन कौन है टीलू के? मम्मा है। अच्छा बाबा है। अच्छा और भाईजान है। अच्छा, और आप ही हैं। अच्छा क्रिकेट टीम लग रही है पूरी एक? हम छह लोग हैं। अच्छा छह लोग हैं। मम्मा है, पांच और कर लेते। बाबा है, पांच और कर लेते, पांच और कर लेते पूरी क्रिकेट टीम हो जाती। खैर छोड़ो तुम नहीं समझोगे अभी ये बातें। अच्छा ये बताओ गाय तुम्हारी ज़िबा करने कौन आता है? बाका अंकल। दोस्त हैं तुम्हारे अब्बू के? तो कहाँ रहते हैं वो? फैमिली। अच्छा तुम्हें पता है बाका अंकल तुम्हारे हमारे शो में आए थे पिछली दफ़ा? हाँ तो उन्होंने तुम्हारे जानवर का जिक्र किया था, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई वो सुबह 7:30 बजे तुम्हारी गायें ज़िबा कर देंगे। इतनी जल्दी नहीं ना। तो क्या मीठी थोड़ी है कि शाम तक टाइम चलेगा, असर तक टाइम खत्म हो जाता है, अगले के पास और भी काम होते हैं। अच्छा ये बताओ कितनी रातें जाग चुके हो अभी तक? 1, 2 उर्दू में गिनो ना, उर्दू में। 1 हाँ, 2 हाँ, 3 पांच रातें। पांच रातें। और आई कब थी गाय? दो हफ्ते पहले आई थी और पांच रातें जाग चुकी हो। तो अभी हमने ये भी सुना है कि तुम्हारे अब्बू बाकी के बचे हुए जो दिन है उसमें तुम्हारी गायें बाड़े में बांध देंगे, फिर क्या होगा? वही आप तो चुप करे ना। तो मैं क्यों चुप करूं? मैं थोड़ी हूँ तुम्हारा अब्बू, तुम्हारे अब्बू ने हमें बताया। अच्छा ये बताओ अपने अब्बू को बताकर आए हो आज शो में, क्या बताया? बिलाल भाई ने बुलाया। अच्छा तो हमारा शो देखते हो तुम? कितने एपिसोड हो चुके हैं अभी तक? 8 फंस गया बेटा, 9 हो चुके हैं, ये 10वां है। झूठ बोल रहा है, हैं? तो अभी हमारे पास एक टेलीफोन कॉलर मौजूद है, तो अभी हम टेलीफोन पे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। टेलीफोन पे बात करके फिर तुम्हें बताते हैं तो कौन है। तो लगाए भाई फोन कॉल, किसकी कॉल आ रही है भाई? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अगस्त का बाप बात कर रहा हूँ। अच्छा अगस्त तुम्हारे अब्बू बात कर रहे हैं। तो अंकल ये आपका जो बेटा है ये हमारे शो में आया हुआ है, बड़ा रो रहा है, तो कुछ करें इसके लिए? थोड़ा देर से जानवर ज़िबा करवाए बाका भाई को थोड़ा बोल के। अभी ये तो पागल है। अच्छा ये पागल है आपसे? तू चुप हो जा, तुम कर लो बेटा, तुम कर लो। अच्छा
अच्छा वैसे ये आपको बता कर आया है शो में? नहीं झूठ बोल रहा है। अच्छा तो इसकी जानवर जो है आप 7:30 बजे कटवा देंगे? अल्लाह का शुक्र है 7:30 बजे बाघा को बुलवा के कायदे पर करवा दूंगा। चलो भाई ये बात तो हो गई। चले अंकल आपसे फिर दोबारा कभी बात होती है जब तक आपकी कॉल ड्रॉप होने वाली है। तो ये थे बाघा के टीलू के अब्बू और बाघा के बहुत करीबी दोस्त। तो तुम्हारे अब्बू की तुमसे बात हो गई है अभी, तो अब कुछ कहना चाहोगे? रोना धोना बंद करो, पहले मनुष वाली शक्लें बनाना बंद करो, बहुत मनुष लग रहे हो। पहले सही से तमीज से बैठो, बिल्कुल सही है। कोई पोएम वगैरह आती है तो सुनाओ। कौन सी आती है? लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा। ज्यादा जोर से नहीं मार देना, थोड़ा तुम्हारे पीछे ही आ जाएगा घोड़ा। अर्तगल देखते हो? ये क्या है? अच्छा नहीं देखते तुम, छोड़ो। तुम पोगो देखते होगे, छोटा भीम, और कौन कौन से कार्टून देखते हो? मोटू पतलू। हाँ बस छोड़ यार, बहुत टाइम लगा रहे हो तुम। अच्छा ये बताओ कि ईद के लिए कपड़े बना लिए या गोश्त काटोगे? गाय काटते हो? खुद काटते हो? गाय नहीं काटनी ना। क्यों नहीं काटनी? बकरा ईद होती किस लिए? तुम्हें काटे क्या? मेरी गाय नहीं काटनी। अच्छा तुम्हें काट देते हैं फिर, ये कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, है ना? चलो खैर है, हो गई कटेगी ये तो, तुम्हारी गायें तो कटेगी, इतना तो पक्की बात है। खैर ये बताओ, ये बताओ कि लोगों को ईद के लिए क्या कहना चाहते हो? ईद मुबारक, अपनी गायें को संभाल के रखें। हाँ, गायें को संभाल के रखें, बाका से बचाएं। हाँ बाका से बचाएं, बाका तुम्हारे अब्बू लग रहे हैं ना, बाका से बचाएं। अब्बू का दोस्त है। खैर तुम साइन वगैरह तो तुम्हें करना नहीं आता होगा? नहीं, नहीं ना, तुमसे हम बाद में लगवा लेंगे एक अंगूठा। सही है, ये सही रहेगा, सही है। तो अभी हमारे नाजरीन को एक साथ तुमने बोलना ईद मुबारक, सही है, जब मैं बोलूं तब। तो ये थे नन्हे टूली जिनकी अभी आपने बातें सुनी और बड़े उदास हैं, बड़े गमजदा हैं, तो इनसे हम करते हैं इनके थोड़े दुखों पे नमक छिड़का है हमने अभी अभी थोड़ा इनके अब्बू से बात करके। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी और अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और लोग जिस जज्बे से कुर्बानी करते हैं उस जज्बे को हमेशा कायम रखें। तो खान जी के थॉट्स की पूरी टीम, खान जी के मेहमान की पूरी टीम, बिलाल अहमद खान की जानिब से आप तमाम लोगों को और नन्हे टीलू की जानिब से, चलो 1 2 3 पे बोलना है, 1 2 3 ईद मुबारक। तो मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और नए एपिसोड में, किसी और नए गेस्ट, किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, बिलाल अहमद खान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, फी अमानिल्लाह, सी यू सून।